राजांग बलि की जय। तुम्हारी आंखों में दुनिया भर की भक्ति का है, दुनिया भर की भक्ति का है भंडार तुम्हारी आंखों में हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। लंका को तुम्ही ने जलाया था, जलाया था, जलाया था, रावण को तुम्ही ने हिलाया था, हिलाया था, हिलाया था, संजीवनी बूटी ला करके, संजीवनी बूटी ला करके लक्ष्मण को तुम्ही ने जिलाया था, जिलाया था, जिलाया था। रहते हैं सदा रघुनंदन जी, रहते हैं सदा रघुनंदन जी, साकार तुम्हारी आंखों में सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। तुम सचमुच संकट मोचन हो, संकट मोचन हो, शंकर की तरह त्रिलोचन हो, त्रिलोचन हो, कष्ट न हो कभी सोच न हो, कभी कष्ट न हो कभी सोच न हो। चिंता को जो काट के रख दे वो, चिंता को जो काट के रख दे वो तलवार तुम्हारी आंखों में हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्देव सभी विद्याओं में पारंगत हो चुके। अब अपनी माता अंजनी के पास सिधा हुआ। गुरु दक्षिणा का ऋण चुका सकूं, ऐसी कोई सेवा करने का अवसर दें गुरुदेव। वत्स, मेरे जीवन का एकमात्र दुख मेरा उद्दंड पुत्र शनि है। उस अवज्ञाकारी और विलासी पुत्र शनि को मेरे सन्मुख ले आ। जय जय गुरुदेव। मैं सोमदेव हूँ, बिना आज्ञा ग्रह मंडल की ओर क्यों जा रहे हो? शनि देव कहाँ मिलेंगे? शनि देव की वक्त दृष्टि पड़ते ही समुद्र भी जलकर राख हो जाता है। क्यों अपने जीवन से हाथ धोना चाहते हो? लौट जाओ। कार्य सिद्धि हनुमान के जीवन का देह है, हट जाओ मेरे मार्ग से। मैं
युद्ध का देवता मंगल हो। धनीदेव कहाँ मिलेंगे? कपिल सांग घुट रहे हैं। हाथ थोड़ा ढीला। तो बताओ शनि मंडल कहाँ है? और हाँ शनि मंडल। शनिदेव की प्रेमिका लहू मई हूँ। मेरा क्रोध तुम्हारा सर्वनाश कर सकता है। लौट जाओ। हनुमान लौटना नहीं जानता। लौट जाओगे तो ताम्रमयी तुम्हें वैभव से भरपूर कर देगी। हनुमान को वैभव नहीं सफलता चाहिए। रजत नहीं के रहते तुम्हें सफलता नहीं मिल सकती। नहीं को हाँ में बदलना हनुमान जानता है। मैं शनि देव की प्राण प्यारी स्वर्णमयी हूँ। 7.5 और शनि देव के नाम से मनुष्य थर्रा उठता है। तू यहाँ तक आ गया, धन्य है। तुझे क्षमा करती हूँ। जा भाग जा, अपने प्राण की रक्षा कर। तेरे प्राण को एक ही झटके में सटका दूं, किंतु नैष्ठिक ब्रह्मचारी नारी को छूता नहीं। नारी को छूने का भी साहस चाहिए कायर? भाग जा, नहीं तो कीट बनाकर इसके नीचे कुचल डालूंगी। छोड़ दे। इसे दबा रखना। छोड़ दे। छूट गई तो छोड़ दे। अपना जन्म भी मंगल के ही दिन हुआ है। छोड़ दे। क्या यमराज ने मृत्यु देने से मना कर दिया? जो शनि देव के पास आया है, अगर मृत्यु को ललकारने वाला कौन है? सूर्य शिष्य हनुमान, शनि देव आप में सभी शक्तियां हैं, सभी गुण हैं, किंतु सबसे बड़ा दुर्गुण है पिता की अवज्ञा करना, उन्हें दुख देना। महापाप है शनि देव, आपको पिता के पास ले जाने के लिए आया हूं। मूर्ख, जानता नहीं शनि की दृष्टि जिस पर उठती है वह उसी पल जलकर भस्म हो जाता है। हनुमान का जन्म ही सेवा के लिए है। मेरी टेढ़ी दृष्टि से प्रथम पूज्य देवता गणेश का भी मस्तक कट गया था। हनुमान के लिए गुरु आज्ञा से मूल्यवान कुछ नहीं। तो भस्म हो जा। नहीं जलता तो तेरे मस्तक पर बैठूंगा। शक्ति हो तो नीचे उतार, नैष्ठिक ब्रह्मचारी। क्षमा कीजिए, छोड़ दीजिए हनुमान जी। छोड़ दे कभी दादा, बचाइए। पिताजी से क्षमा मांगूंगा। किसी को हिलाऊंगा नहीं, किसी को सताऊंगा नहीं, किसी के मस्तक पर नहीं बैठूंगा। जो शनिवार को आपकी पूजा करेगा वो उसे कोई कष्ट नहीं दूंगा। अब नीचे उठाइए। मैं भी नहीं कष्ट दूंगी, नहीं दूंगी। जो आपकी पूजा करेगा उस पर मैं भी प्रसन्न रहूंगा। अब छोड़ दीजिए। पुत्र शनि, तुम्हारा अहंकार नष्ट हो गया, क्रोध संयम में आ गया। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं।
भविष्य के लिए भी वचन देता हूं पिताजी, शुभ दृष्टि से जिसे देखूंगा उसे सुख संपत्ति से भरपूर कर दूंगा। बजरंग बली साक्षी है। प्रिय बजरंग बली, तुमने गुरु दक्षिणा का ऋण चुका दिया, तुम्हारी जय है। जाओ, तुम्हारी माता अंजनी बाट देखती हूं। जय जय गुरुदेव। प्रणाम शनि भैया। जय बजरंग बली। मारुति, अरे तू इतना बड़ा हो गया, अभी तक तेरा लड़कपन नहीं गया। माँ, जन्म स्वभाव, जन्म संस्कार कहीं जाता है? ओहो, बड़ा ज्ञानी हो गया रे। ऋग्वेद में कहा है माँ कि बड़े बड़े पंडित भी माँ के आगे अज्ञानी ही रहते हैं। बस बस बस, कहीं मेरी दृष्टि ही न लग जाए। अब कुछ खा ले बेटा, तुझे विष्णु पर्वत पे जाना होगा। क्यों माँ? बड़े भाई वालिद ने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया और उसकी पत्नी छीन ली। बेचारा सुग्रीव डर के मारे दुष्मुख के कंदराहों में छिपता फिरता है। तू जाके उसकी सहायता करना और ऐसा प्रयत्न करना कि उसकी पत्नी उसे मिल जाए। तुमने मेरी मनचाही बात कर दी माँ, मैं तो ऐसे ही औसत की ताक में हूँ कि किसी के लिए कुछ कर सकूँ। चलो अभी चले। नहीं बेटा, मैं तो यही शिव शंकर की आराधना में अपना समय बिताऊंगी, तू ही चला जाना। किंतु कभी मेरी आवश्यकता पड़ी तो? मेरे स्मरण करते ही आ जाना बेटा। जैसी माँ की आज्ञा। शिवशंकर तेरी रक्षा करे। भगवानों का ये कैसा लीला चक्र है जिसमें नारी ही पीसी जाती है, नारी ही सताई जाती है, रुलाई जाती है। किस नारी के विषय में भगवानों को भगवती कोस रही है? आश्चर्य है, पंचवटी से कपटी रावण ने भगवती सीता का हरण कर लिया और भोलेनाथ तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जो होना है वो तो होगा ही देवी, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? क्या देवियों की रक्षा न करने की सौगंध खाली है, या भोलेनाथ अपने भक्त रावण को दंड नहीं देना चाहते? भक्त का ध्यान रखना, पूर्ण अपराधी को दंड देना, दोनों उचित है। अपराधी रावण में भक्ति और शक्ति दोनों का अभिमान है, छल से सीता का हरण करके घोर पाप किया है। अलंकेश है, जो नहीं करते वो पाप है और जो करते हैं वो पुण्य है। लंपट लक्ष्मण ने हमारी बहन की नाक काटी है, हम सीता को पत्नी बनाकर रघुवंश की नाक काटेंगे, ये हमारा प्रण है। सीता को पत्नी बनाने से बहन सिर पर नकार की नाक तो लौट नहीं सकती स्वामी, उल्टे आपकी महानता को, कीर्ति को कलंक लगेगा। भाभी, भैया को कायरता का पाठ पढ़ाकर कीर्ति का झंडा ऊंचा करने चली हो? तो अपना घर समझ लो भैया, भाभी को पति के प्रण का ध्यान नहीं, अपने पद की चिंता है। सतिया डह सता रही है, पटरानी सीता न बन जाए। कम लंकेश है, प्रतिशोध हमारा लक्ष्य है, शठम प्रतिशाठम। बहन का बदला सीता को पत्नी बनाना। सीते, सीते, हम लंकेश हैं, हमारी प्रकृति तरे तो देवांगनाएं हमारे चरणों में आंखें बिछा दें, इच्छा हो तो अप्सराएं नाक रगड़ें, आज्ञा हो तो किन्नरियां हमारे तलवे चाटें। किंतु लंकेश मोहिनी सीते, तुम्हारे रूप के आकर्षण पर लंकेश हृदय हार चुके हैं, हमारी पटरानी बनना स्वीकार कर हमारे हृदय की झोली भर दो। मदान लंकेश की बासना की झोली लंकेश के ही रक्त से मेरे राम अवश्य भरेंगे। मौन हो जाओ सीते, हम लंकेश हैं, हमारा क्रोध भदकता हुआ अंगारा। निस्सहाय होती हुई भी रघुवीर की पत्नी ज्वालामुखी से कम नहीं। करोड़ दंसा कौन से पंड नहीं,
इस हठीली का हट छुड़ाने के लिए कठोर से कठोर बर्ताव करो। राम राम के बद रावण रावण रटने के लिए विवश कर दो। हम कैसे इतना अत्याचार मैं नहीं देख सकती। सीता की रक्षा स्वयं करो। ठहरो भवानी, पाप का खड़ा भरते ही पवन कुमार हनुमान के साहस और राम बाण की शक्ति से रावण का विनाश निश्चित। किंतु कब कैसे? श्री राम कहीं भटक रहे हैं, हनुमान कहीं विचर रहे हैं। देवी अधीर मत, संयोग निकट। मनवारे मनवा जीवन है संग्राम। हे मनवारे मनवा जीवन है संग्राम। गजब के इसके खेल, गजब के इसके खेल। सूर्य चंद्र के दीप जलाता बिन बाती बिन तेल, बिन बाती बिन तेल। यही समा राम राम।
इस मार्ग से सदा आता जाता रहा हूं। आज ही न जाने क्यों यहाँ की सभी वस्तुओं में राम राम गूंज रहा है। तन मन ऐसे खींचा जा रहा है जैसे चुंबक की ओर लोहा। अंग अंग में अनुराग जाग रहा है। रोम रोम राममय हो रहा है दिवशी। भाग्यशाली है बजरंगबली, ऐसी प्रेरणा तभी होती जब परम कृपालु रघुकुल भूषण दशरथ नंदन श्री राम की असीम कृपा होती। दशरथ नंदन श्री राम, अहिल्या उधार करने वाले पतित पावन राम, तारका वध करने वाले पाप मोचन राम, शिव धनुष तोड़ने वाले अतुलित बल धाम राम। हम इस किंकर को मिलेंगे, दयालु दर्शन देंगे। जब आपके रोम रोम में राम का नाम गूंज रहा है तो राम का दर्शन भी अवश्य होगा बजरंगबली। आज भाग जाएगा जो दर्शन मिला, अखियां जुड़ा गई, सबरी धन हुई। ये लो राम जी, बड़ा मीठा है। प्रेम की निबोली भी मीठी होती है शबरी माँ। आप खाओ लक्ष्मण जी, ले आओ। खा के देखो लक्ष्मण, ऐसे मीठे बेर कभी नहीं खाए। झूठे हैं भैया, एक बिल्ली के नीच के। लक्ष्मण, नीच ऊंच कोई जन्म और जात से नहीं, कर्म और विचार से होता है। कर्म और विचार जिसके ऊंच हैं वो ऊंच है, जिसके नीच हैं वो नीच है। और बेर नहीं खिलाओगी शबरी माँ? अब चलिए भैया, बेर के स्वाद में भाभी की चिंता मत छोड़ दीजिए। भाभी की चिंता? हाँ शबरी माँ, तुम्हारी बहू सीता को कोई अनाचारी पंचवटी से उठा ले गया है। बहू सीता को उठा ले गया? राम राम राम। जय महादेव। जय महादेव। गुरुजी, गुरुजी, कपिराज सुग्रीव आ रहे हैं। कपिराज सुग्रीव की जय। हनुमान, लगता है बाली ने मेरा प्राण लेने की चाल चली है। कपटी वेशधारी दो धनुधारियों को भेजा है, वे सीधे इधर ही आ रहे हैं। देखो, शंका में मत पड़िए कपिराज, वे पथक भी हो सकते हैं। नहीं हनुमान, शत्रुओं का भय जाने में तुम कुचलो, तुम ही जाकर पता लगाओ। जाता हूं। राजनीति के अनुसार भेदिये का भेद बदलकर ही जाना उचित है। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। महात्मा, कृपया बता सकते हैं कपिराज सुग्रीव कहां मिलेंगे? सज्जन पर कृपा करना, भूले भटके को मार्ग बताना, महापुरुषों का मिलाप कराना सनातन धर्म है। किंतु बाण आपके वीर होने का संकेत देते हैं। तपसी वेश होने पर भी ये सुकोमल काया देखकर राजकुमार होने की शंका होती है। मुखमंडल का तेज बेखटक बताता है कि आप साधारण मानव नहीं, अलौकिक पुरुष हैं। बड़ा आकर्षण है आप में। बिना संकोच बताइए, आप किस देश की आशाएं हैं, किस वंश के तारे हैं, किस माता पिता के दुलारे हैं? लक्ष्मण, भाषा ज्ञान का प्रतीक है। ऐसे विशुद्ध भाषा वेद शास्त्र और व्याकरण के महापंडित ही बोल सकते हैं। महात्मा को उत्तर दो। महात्मा, हम अयोध्या के रघुवंशी महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मैं लक्ष्मण, ये बड़े भाई श्री रामचंद्र। श्री रामचंद्र, नंदन श्री राम, प्रभु श्री राम, करुणानुदार राम, जय जय राम। ओ
भाई हनुमान, भाई हनुमान। सच्चे स्नेह में अद्भुत आकर्षण होता है। बचपन के बिछड़े हम आज मिल ही गए। दया भाव, आपने दर्शन देने की दया की। ये किंकर का अहभाग, मैं धन हो गया भगवान, सनाथ हो गया। अंजन कुमार, जीवन संयोग वियोग का संगम है। संयोग मिलाता है, वियोग भटकाता है। प्रभु, वियोग? हाँ, हमने पिता का वचन पालन करने के लिए 14 वर्ष का वनवास लिया। पंचवटी से मेरी भारिया जनक नंदिनी सीता का हरण हो गया, उसी की खोज में हम भटक रहे हैं। देवी सीता की खोज? हाँ पवन कुमार, माँ शबरी ने हमें कपिराज सुग्रीव से मिलने के लिए कहा है। अभी मिला देता हूँ, आप दोनों सेवक के कंधों पर विराजे। सुग्रीव का धन्यवाद, यदि आपके काम आ सके। रघुवीर, एक दिन कोई राक्षस किसी स्त्री को आकाश मार्ग से ले जा रहा था। वो बिचारे विलाप करती हुई अपने आभूषण गिराती गई। इन्हें देखिए, पहचानिए। देखो लक्ष्मण, देखो, तुम भी देखो, ये कंगन, ये कांखे, ये नुपुर, कहीं ये वैदी की तो नहीं? मैंने तो सदा भाभी के चरणों की वंदना की है भैया, ये नुपुर उन्हीं के हैं। वियोग की असह्य वेदना से ये नुपुर भी उदास हो चले हैं। सीते, सीते, अब तो धनुष के धारी, अब तो धनुष के धारी, आकर के देखो मेरी लाचारी, आकर के देखो मेरी लाचारी, है बड़ी यहाँ दुखियारी, है बड़ी यहाँ दुखियारी तुम्हारी जारी।
भय से मुक्त कीजिए। बाली का अपराध जाने बिना भैया क्या कर सकते हैं? प्राय पत्नी पर बलपूर्वक अधिकार कर लेना अपराध ही नहीं घोर पाप है। वही पाप कपिराज सौरी की पत्नी को छीनकर इन्हें राज से निकालकर बाली ने किया है। भाई की पत्नी, पुत्रवधु, बहन, बेटी समान होती हैं। इन पर बुरी दृष्टि रखने वाले पापी का वध किए बिना पाप का नाश नहीं हो सकता। बाली को वही मार सकता है जो एक ही बांध से इन सात तारों को बेच डाले। विश्वास हो गया है रघुवीर? मैं अग्नि को साक्षी रखकर शपथ लेता हूं वानर सेना को धरती के चप्पे चप्पे में भेजकर देवी सीता की खोज करो। राम का भी प्रण है अनाचारी बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा के राज सिंहासन पर बिठाऊंगा। युद्ध के लिए बाली को ललकारो मित्र। बाली श्री के आंचल में मुंह छिपाने वाले सूरदानी छानकर सीता जी को खोज निकालना तुम्हारा कर्तव्य है। सीता जी की खोज किए बिना जो भी लौटेगा उसकी मुंडी बाल बच्चों सहित धड़ से उड़ा दी जाएगी। यही वानरकूट की रीति है, ज्ञान रहे। प्रस्थान की आज्ञा प्रभु। आज्ञा है हनुमान। प्रभु किंतु देवी का दर्शन होने पर उन्हें विश्वास कैसे होगा कि हम प्रभु के सेवक हैं? लो ये मुद्रिका, वैदेही की सुधि मिल जाए तो कहना कि राम का तन ऋषमुख में है, मन प्राण के साथ है और प्राण रूपी सीता न जाने कहाँ है। भगवती की खोज कल्याण कार्य है स्वामी, कल्याण कार्य में सिद्धि होती ही है। जय जय राम।
रहे बंदर के बंदर। अरे सीधे आकर इस संपाति से पूछ लिया होता, यह तो पता लग जाता कि सीता जी को रावण हर ले गया है, वे लंका में है। मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो 100 योजन क्या, 1000 योजन चौड़ा सागर होता तो भी कब का उड़कर सीता बिटिया को ले आया हो। युवराज, अंगद, तुम तो नवयुवक हो। मैं सागर लांघकर लंका जा तो सकता हूँ, किंतु लौट कर आने में संदेह। तब कौन जाएगा? कैसे पता लगेगा सीता जी को? राम जी को क्या मुंह दिखाएंगे? क्या क्या सुग्रीव को क्या उत्तर देंगे? यह तो सबकी मुंडी काट कर ही छोड़ेंगे। हमारी पत्नियां भी मृत्यु के घाट उतार दी जाएंगी, हमारे भाई बच्चे भी बलि चढ़ा दिए जाएंगे, हमारा संसार मुझे मसान हो जाएगा। ये तो अच्छा कि सागर में डूब मरे। चिंता की बात तो ये है कि हनुमान जी भी सुन हो गए। तुम क्यों चुप बैठा हो बचन बली? तुम्हारी विलक्षण बुद्धि है, तेरी सूझ है, तुम महावीर हो, तुम ही साहस करो, तुम ही हमारे परिवार को मृत्यु के मुख से निकाल सकते हो, तुम्हें हमारे बाल बच्चों की रक्षा कर सकते हो, तुम ही इस घोर संकट से हम सबका उद्धार कर सकते हो। रक्षा करो पवन कुमार, उपाय करो महावीर। जागो हे अंजनी कुमार, लंका की ओर प्रयाण करो, हे भूतकाल के विकट कुछ याद करो, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन, विद्युत की गति, विद्युत की गति जिसमें थी अब बुदो बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन। तुम्हें ललकारने लगा
कसौटी है आज कसौटी तुम्हारी केसरी नंदन। कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन। तुम शक्ति पुंज हो किसी से डर नहीं सकते, किसी से डर नहीं सकते। ऐसा ना कोई काम जो तुम कर नहीं सकते, जो तुम कर नहीं सकते। उठो छलांग मारो बजरंग बली, बजरंग बली। आकाश को ललकारो बजरंग बली, बजरंग बली। भीषण स्वरूप धारो बजरंग बली, बजरंग बली। संकट में तुम उबारो बजरंग बली, बजरंग बली। उठो बजरंग बली, जागो बजरंग बली। उठो बजरंग बली, जागो बजरंग बली। उठो बजरंग बली, जागो बजरंग बली। हनुमान का पण है, लौटने पर भोजन कर लेना। मैं तुझे निगल जाऊंगी, ब्रह्मा का वरदान है मुझे। यहाँ से जो भी जाएगा उसे सीधे नाग माता सुरसा के मुंह में आना होगा। आ जा मेरे मुंह में। तुम्हारे छोटे से मुंह में मेरी ये विशाल काया कैसे समाएगी? सुंगाने वाले महावीर वानर समझ गई, रावण का अंत अब दूर नहीं। जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीता राम। सीता राम जय सीता राम, भगवान राम नाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीता राम। सीता राम जय सीता राम, भजमन प्यारे सीता राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय जय राम। जय जय राम। मैं लंकापति रावण का अनुज हूँ विभीषण, कृपया अपना परिचय पधारने का प्रयोजन बताइए कपी श्रेष्ठ। मैं पवन कुमार हनुमान, जगत जननी सीता जी की खोज में स्वामी श्री राम की आज्ञा से आया हूँ। धन्य भाग्य की आप आठों पहर श्री राम की सेवा से, दयालु के दर्शन से, प्रभु की अमृत वाणी से, तारणहार के चरणों तक से जीवन पावन करते रहते हैं। आप तो तन मन और कर्म से राममय हैं। जय जय राम भक्त हनुमान। जय जय राम भाई विभीषण। सीता मैया के दर्शन के लिए मन अधीर है, शीघ्र बताइए। इस दिशा में एक भवन छोड़कर अशोक वाटिका में सीता मैया है। जय जय राम। जय सिया राम। सीते, सर्वांग सुंदरी सीते, लंकेश आज लंका का सारा सुख सारा वैभव तुम्हारी एक हां पर निछावर करने आए हैं, जो स्वर्ग से भी बढ़कर है।
पतिव्रता के लिए नरक से भी बढ़कर है। राज सिंहासन की शोभा बन सकती हो। सीता के लिए वो चीता के समान है। हठ धर्मिणी सीते, हम लंकेश हैं, चाहे तो पल पूर्वक तुम्हें पत्नी बना सकते हैं। बल का प्रदर्शन स्वयंवर में देख चुकी हूँ। जब धनुष उठाते समय महाबली रावण दौरे हो गए थे, आप मेरे रघुवीर के आगे टिंके के समान। हमारा अपमान, हम लंकेश हैं, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। सीता के रक्त की बूंद बूंद से राम राम की ध्वनि निकली। हमारा खड़ा ही तुम्हें मौन करेगा। रुक जाइए, अब यहाँ पर शस्त्र उठाना है तो पहले मंगोदरी का वध कीजिए। महारानी मंदोदरी के कारण आज बच गई सीते, किंतु एक मास के भीतर हमें अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं किया तो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हम लंकेश हैं। राम कहाँ है मेरे राम, अब तक मौन क्यों है? सत की रक्षा करने वाले राघव क्या अपनी सीता से रूठ गए हैं जो पुकार नहीं सुनते? हे राम, हे राघव। प्राणाधार की मुद्रिका, प्रभु की मुद्रिका, यहां कैसे आई? कौन लाया? कौन हो तुम? करुणानिधान प्रभु श्री राम का सेवक पवन कुमार हनुमान, भगवती का पता लगाने के लिए ही प्रभु ने भेजा है, विश्वास के लिए ये मुद्रिका दी है। मेरे रघुवीर देवल लक्ष्मण जी कुशल से है ना? और सब कुशल है माता, किंतु आपके वियोग में प्रभु की जो दशा है उसका वर्णन करने में असमर्थ हूँ। भाषा मूक हो चली है, शब्दों में शक्ति नहीं रही। राघव के दर्शन के लिए नयन विकल है, मन अधीर है हनुमान। एक एक पल एक एक कल्प से बढ़कर हो गया है। राम राम रखते रखते चातक की दशा हो गई है। चंडालों के घेरे में आपकी दीन दशा देखकर मन करता है कि अभी जाकर खल राज रावण का ब्रह्मांड फाड़ डालूं, पूरी लंका को उलटकर सागर में डुबा दूं और माता को स्वामी के पास ले चलूं। किंतु भयानक राक्षसी सेना से बचकर अकेले कैसे ले चलोगे? जैसे राक्षसों की आंखों में धूल झोंककर आपके पास चला आया। राम सेवक को साधारण मत समझिए माता। जय जय राम। अब विश्वास हुआ देवी, कहिए तो धरती के साथ आपको उठाकर प्रभु के पास ले चलूं। किंतु प्रभु की आज्ञा आपका पता लगाने की है, ले चलने की नहीं। राघवेंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनका गौरव इसी में है कि वे मेरे हरणकर्ता सुराधम रावण को अपने पराक्रम से मारकर मुझे ऐसे ले चले। धीर धरे माता, प्रभु अवश्य आपको ले चलेंगे। जय जय। किंतु माता, आपका दर्शन हुआ, ये प्रभु को विश्वास कैसे दिलाऊंगा? लो ये चूड़ामणि देकर कहना, एक मास के भीतर प्रभु नहीं आएंगे तो जानकी को जीवित नहीं पाएंगे। मेरे और से लक्ष्मण भैया के पांव छूकर क्षमा मांगना, कहना
पंचवटी में लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करके सीता ने जो भूल की उसी का यह परिणाम है। भगवान प्रभु का समाचार सुनाकर तुमने मुझे नवजीवन दिया है, संसार में चिरंजीवी रहो हनुमान। माता इतनी दूर आने में कितना कष्ट उठाए पवन कुमार। सेवा की लगन में कष्ट का अनुभव होता ही नहीं माता। फिर भी तुम्हें कुछ खिला भी नहीं सकती। मेरे खाने की चिंता ना करें माता, फलों से लदी हुई ऐसी सुंदर वाटिका में आकर भला भूखा रह सकता हूँ? बस आज्ञा लीजिए। सिधारो पवन कुमार। जय जय राम। अक्षय कुमार मारा गया। मेरे बेटे की हत्या। हम लंकेश हैं, पुत्र के हत्यारे बानर का बंटा ठार कर देंगे। भाई की हत्या का बदला भाई लेगा पिताजी। मेघनाथ उस बानर को यम धाम पहुंचाएगा। उसे जीवित पकड़कर राजसभा में ले आओ। जी पिताजी। मेरे भाई के हत्यारे मरकट, तुझे मैं दंड दूंगा। बकवादी महाशय का परिचय। घमंडी, मैं दिक्पालों को हराने वाला, देवताओं को धूल चटाने वाला इंद्रजीत। मैं भी रामदास हूँ, बातों को नहीं पराक्रम को देखता हूँ। ब्रह्मास्त्र से नहीं बच सकता, ब्रह्मा जी का मान रखना ही होगा। सैनिकों ले चलो मरकट को राज्यसभा। राज्यसभा में स्वयं चलूंगा। ग्रह विजेता लंकेश्वर की जय हो। यही है वाटिका उजाड़ने वाला बानर, भाई अक्षय कुमार का हत्यारा। एक बानर, हम लंकेश हैं। नमक
चक्र जिनके सिंहासन पे जड़े हैं, नक्षत्र जिनकी उंगलियों पे नाचते हैं, देवता जिनके नाम से कांपते हैं, अब तुझे प्राण का डर नहीं? डर होता है कामी को, चोर को। सच्चाई पर चलता है वो कब किससे डरता है? मुख फट फट हम लंकेश हैं, हमारे आगे टीम हाथने वाला तो है कौन? सारे योजन सागर पार लंका पूरी में तो आया कैसे? आया सागर लांग कर, नाम है पवन कुमार हनुमान। दूत हूं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए धरती का भार उतारने के लिए अवतार लिया है। मूर्ख, संसार में अवतार एक ही है, लंकेश रावण। धर्माधर्म का ख्याता एक ही है, लंकेश रावण। जीवन मरण का विधाता एक ही है, लंकेश रावण। राम एक तुच्छ मानव है। सर्वशक्तिमान भगवान राम को तुच्छ मानव कहने वाले अहंकारी, उनके एक तुच्छ सेवक की ही शक्ति देख लो। जय जय राम। राज सिंहासन पर बैठने वाला बड़ा नहीं, बैठाने वाले तैयार धार श्री राम बड़े हैं, जिनकी पत्नी को तुमने चोरों के समान चुराया है। बदला लिया है, हम लंकेश है। वनवासियों ने बहन सुरप रखा कि नहीं, लंकेश की नाक काटी है। लंकेश को नाक होती तो यौवन में उन्मत्त अपनी बहन को वासना की भूख प्यास मिटाने के लिए बन बन भटकने नहीं देते, शासन में रखते। हनुमान, लंकेश के कुल पर कीचड़ मत उछाल। अपने सर्वनाश को न्योता मत दो लंकेश। भगवती सीता को सादर लौटाकर भगवान श्री राम के चरणों में माथा टेक दो, तुम्हारा लोक परलोक सुधर जाएगा। बकवास बंद कर। बाल मंत्री, इस चापलूस रामदूत का वध कर दिया जाए। जय जय राम। लंकेश्वर से एक विनती है, दूत के वध से राजनीति की मर्यादा समाप्त हो जाती है, इससे लंकेश्वर की कीर्ति पर कलंक लग सकता है। उचित कहते हो विभीषण, हम लंकेश हैं। वानर को अपनी पूछ प्यारी होती है, इसकी पूछ में आग लगाकर छोड़ दिया जाए। जो आग किया। जय जय राम। जय जय राम। जय जय राम। जय जय राम। बराबर कस के बांधना, ढीली ना रहे। Thank you.
रहे हैं ना स्वामी? लंकेश की संपत्ति जल रही है, वो भी एक बानर के पास। बानरी, हम लंकेश हैं, ऐसी लाखों लंका बचा सकते हैं। भूल रहे हैं स्वामी, ये केवल संपत्ति नहीं, लंकेश की कीर्ति जल रही है जो लौट नहीं सकती। हम चौधरी, हम लंकेश हैं। सीता की सुधि लाकर तुमने राम की प्राण प्रतिष्ठा की है भाई हनुमान। निर्बल के बल राम की ही दया है मुझ पर। अरे अरे, ये क्या बजरंग बली? भगवती सीता ने आपके पांव छूकर अपराध के लिए क्षमा मांगी है। भाभी का अपराध कैसा? कहा है, पंचवटी में लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करके सीता ने जो भूल की है उसी का ये परिणाम है। और क्या कहा है वैदेही? यदि एक मास में प्रभु ने दर्शन नहीं दिया तो जानकी का जीवित मुखड़ा नहीं देख पाएंगे। अब क्या सोच रहे हैं भैया? लंका पर आक्रमण की आज्ञा दीजिए। अपनी सेना 100 योजन समुद्र पार कैसे करेगी? समुद्र को सुखाने के लिए लक्ष्मण का एक ही बाण बहुत है। नहीं लक्ष्मण, अपने स्वार्थ के लिए सागर की मर्यादा नष्ट करना बड़प्पन नहीं। मर्यादा तो तभी रह सकती है जब सेतु बना जाए। रघुवीर, नल नील को आज्ञा दे, ये इस काम में बड़े कुशल कलाकार हैं। 100 योजन सेतु बांधने में 6 मास लग जाएंगे भगवान। किंतु भगवती सीता की अवधि केवल 1 मास की है। अब क्या होगा? यदि पत्थर तैर सके तो सेतु शीघ्र बन सकता है। पत्थर और तैरना? न हुआ न होगा। अंजनी कुमार, शक्ति और बुद्धि में तुम श्रेष्ठ हो, कोई उपाय सोचो। सफलता की कुंजी केवल श्रद्धा और परिश्रम है। प्रभु, अब हमें शिव भक्त रावण की भूमि में प्रवेश करना है। उससे पहले हमें इष्ट देव शिव शंकर का आशीष लेना चाहिए। ओम नमः शिवाय। शंभर, हे राम के ईश्वर, आशीष दें। संसार से अत्याचार का अंत कर, नारी की मर्यादा रख और सद्धर्म की रक्षा करने में सदा विजयी हो। रघुनंदन, आपने मेरी स्थापना कर जगत कल्याण का कार्य किया है। ये स्थान रामेश्वर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो भी रामेश्वर की पूजा करेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। भगवान भोलेनाथ, माता सीता की अवधि 1 ही मास की है। तुरंत सेतु कैसे बंधे, सेना लंका कैसे पहुंचे, पत्थर कैसे तैरे? सबका तारनहार है राम नाम, ये क्यों भूलते हो बजरंगबली? जीवन है संग्राम, भजले राम राम राम। जय जय भोलेनाथ। मनवा जीवन है संग्राम,
मन है संग्राम। हे भजले राम 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 भजले राम 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 भजले राम 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 भजले राम राम राम। हे मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम। खिलौने हैं, खिलाड़ी है श्री रामचंद्र। अन्न खाते हो भाई का और खून खाते हो शत्रु का। पालनहार श्री राम किसी के शत्रु नहीं, सबके मित्र हैं भैया।
जानकी रूपी ज्वालामुखी को लौटाकर अपने साथ साथ लंका को भी संहार से बचाइए। दूर हो जा हमारी आंखों से देशद्रोही, चला जा उसी की शरण में जिसकी चापलूसी करता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, लाख बार कर आपने प्रभु राम के चरणों में जाने का अवसर दिया, बड़ी कृपा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय घोष होगा नवग्रह विजेता लंकेश्वर का, मेघनाथ स्वयं शत्रु के लहू की नदी बहाएगा। लंकेश भ्राता कुंभकर्ण अपनी माया से सारी राम सेना को समाचत कर देगा। मेघनाथ भाई कुंभकर्ण और तुम दोनों जाकर उन कुटीचर शत्रुओं के चित्र चित्र कर डालो। तुम इंद्रजीत हो, युद्ध का संचालन तुम्हें सौंपते हैं। कुल प्रजा राज सब कुछ हंस हो जाएगा, अनगिनत सुहागिनों की मांगे उजड़ जाएगी, असंख्य बचे अनाथ हो जाएंगे। इतना भय बलिदान, इतना भीषण रक्तपात केवल लेहति के लिए, निर्वासित सीता के लिए। शत्रु हमारी सीमा में प्रवेश कर, युवराज के नाते लंका की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। आज का युद्ध संचालन मेरे कंधों। मस्तक ही काट देता हूं। लंगेश्वर की जय हो। कालमी कंटके नैव कंटकम, कांटे से ही कांटा निकलता है। राम का मस्तक देखकर सीता का सपना चूर चूर हो जाएगा। सीता को लंका की पटरानी बन नहीं होगा। हम लंकेश हैं, आओ। सीते हमारी वाणी ही विधि का लेख है, इच्छा ही होनहार है। हम लंकेश हैं, शत्रु राम को यमलोक पहुंचाने वाले। राम यमलोक
रूप लावण्य संपन्न सीते अब जीवन का अलौकिक आनंद लूटने के लिए रावण की पटरानी बनने में ही भलाई है। स्वर्गवासी राम का मिथ्या मोह छोड़। स्वर्गवासी राम मिथ्या मोह? दक्ष प्रमाण है राम का कटा हुआ मस्तक। देख लो वस्त्र हटाकर, मिटा लो अपना भ्रम। भ्रम में सीता नहीं, लंकापति रावण है। पत्नी के रहते पराई पत्नी की इच्छा करने वाले वासना के भूखे लंपट पति पत्नी के सात्विक प्रेम को क्या जाने। मदन रावण, यदि राम पर आंच आती तो सीता का प्राण प्रखेरु पहले उड़ जाता। संसार के किसी भी अस्त्र शस्त्रों में राम को छूने की भी शक्ति नहीं, ये सीता का अटल विश्वास है। हम लंकेश हैं, तुम्हारे विश्वास को अभी चूर चूर कर देते हैं। हमारा मस्तक ये क्या लंकेश का भ्रम? माया में नहीं, नवग्रह विजेता के आगे माया का चमत्कार, ये सत्य का चमत्कार है लंकेश। पाप और पुण्य के युद्ध में तुम्हारा अंत निकट और निश्चित है। हमारी नाभि में अमृत कुंभ है, हम लंकेश है, अमर है। हमारा इंद्रजीत भी वैश्वानर यज्ञ पूरा होते ही अमर हो जाएगा। आज लक्ष्मण के बाण तुम्हारे लहू से अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं। लक्ष्मण चाचा विभीषण, तो घर के भेदिये ने ही घर में चोर को घुसाया। मेघनाथ, यदि व्यक्ति परिवार के लिए, परिवार समाज के लिए और समाज देश के लिए रोग बनता हो तो उसे मिटा देना ही उचित है। दोनों विराजे यज्ञ पूरा कर लो। यज्ञ करके अमर होने का अधिकार कपटी को नहीं। मेघनाथ कपटी, परिवार का परिवार कपटी। हिरण बनकर श्री राम से मामा मारिज ने कपट किया। साधु बनकर पंचवटी में सीता मैया से बाप ने कपट किया। युद्ध भूमि में मायावी सीता को काटकर बेटे ने कपट किया। मेघनाथ, चोर के 100 दिन तो साधु का भी एक आता ही है, साथ कुछ अधिक ही खुजला रहे हैं। आओ तुम्हारी पीठ तो ठोक दूं। फिर बंदर भुर्की। यदि मैं तन मन प्राण से पति को ही परमेश्वर मानती तो लिख कर बता दो, पति देव के तन से तुम्हें अलग करने वाला कौन है? किधर लक्ष्मण? आपका आंखों से ओझल होना मैं सह नहीं सकती।
हम लंकेश हैं, हत्यारे लक्ष्मण को इसी समय हम लोग भेज देंगे। क्या लाभ मेरे माथे का मुकुट, मन का देवता, कामनाओं का चित्र चला गया, अब मेरा भी यहाँ क्या काम। मुझे विदा कीजिए पिताजी, स्वामी और मुझ में समय का अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। मेरे स्वामी का मस्तक ला दीजिए। मस्तकों का ठेर लगा देंगे बहू, एक के बदले राम के दल का विनाश कर देंगे। मुझे विनाश नहीं, स्वामी का शीश चाहिए पिताजी। हम लंकेश हैं, त्रिलोकी के सम्राट, बनवासी राम के आगे हाथ नहीं फैला सकते, याचना नहीं कर सकते। तो मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं, हमारे पुत्र वधु शत्रु राम के शिविर में जाए कदापि नहीं, हम लंकेश हैं। मेरे आंचल का फूल तो टूट गया, तुम भी बेसहारा कर जाओगे, इस माँ की दशा क्या होगी। माँ, आप तो स्वयं नारी की भावना को, वेदना को, उसके हित अनित को समझती है, क्या आप चाहेंगी कि जन्म जन्मांतर का साथ छोड़ दो, पत्नी धर्म से मुंह मोड़ लो। कभी नहीं, जाओ सती धर्म का पालन करो। कर्तव्य पर प्राण देने वाले प्राणेश्वर, एक बार इस अभागिनी को आंखें खोल कर भय दृष्टि देख तो लीजिए। प्राणेश, आपके साथ मेरे पिता शेषनाग होते तो आपकी रक्षा अवश्य होती। रक्षक ही भिक्षक बन गया तो दोष किसके थे। प्रलोक में पता चला कि मेरी हत्या करने वाले लक्ष्मण शेषनाग का ही अवतार है। अंधेरे वाले हाथों ने पुत्री के पति का बलिदान लिया, अखंड सौभाग्य का आशीष लेने वाले पिता ने ही मेरे मांग उजाड़ी। शेष पुत्री, भवितव्यता मानव को अपने वश में करके सब कुछ भुला देती है। अब पति प्रेम को आंसू में डुबाने के बदले भक्ति और श्रद्धा के फूल चढ़ाओ सती। जैसे रघुवीर की इच्छा, स्वामी स्वामी सती सुलोचना की। वत्सल छंदी, कल से मेघनाथ का वध करने वाला अधर्मी का लक्ष्मण,
पुत्रघाती। लंकेश को हिलाने वाले त्रिलोक में एक तुम ही हो हनुमान। वाह लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी, लक्ष्मण, 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 लक्ष्मण भैया। हनुमान क्या हो गया लक्ष्मण को? अमोक शक्ति। अमोक शक्ति? लक्ष्मण, लक्ष्मण भैया बोलो, बोलो तो, आंखें तो खोलो। मुझे अधीर देखकर तुम आश्वासन देते थे, आज आर्तनाद करते देखकर तुम बोलते भी नहीं। अब मैं तुम्हारे बिना युद्ध करते जाऊंगा लक्ष्मण, करते जाऊंगा। माता कौशल्या, कहीं कहीं और सुमित्रा से क्या कहूंगा लक्ष्मण भैया, क्या कहूंगा, क्या कहूंगा। प्रभु, लखनलाल जी केवल मूर्छित हैं, लंका में सुषेण वैद्य। सुषेण वैद्य, लक्ष्मण जी को जीवन मिल सकता है जब संजीवनी बूटी मिले। संजीवनी? हाँ, संजीवनी द्रोणाचल पर्वत पर है, सूर्योदय से पहले आ जानी चाहिए। नहीं, लक्ष्मण की मृत्यु ही हमारे इंद्रजीत की श्रद्धांजलि है। द्रोणाचल तुरंत जाओ, कड़ी आंख रखो, कोई भी संजीवनी बूटी ले पाया तो तुम्हें कचालू बना देंगे। हम लंकेश हैं। रातों रात संजीवनी बूटी लाएगा कौन? भैया लक्ष्मण, यदि संजीवनी नहीं आई तो अभागा राम तुम्हारे जीवन की रक्षा कैसे कर पाएगा, तुम्हारे बिना जीवित कैसे रह सकेगा? विषाद सबसे बड़ा बाधक, उत्साह सबसे बड़ा साधक। सेवक जाएगा। जय जय राम। आगे नहीं जा सकते। प्राण की रक्षा के लिए संजीवनी लेने आया। मेरे रहते यहां से कोई तिनका भी नहीं ले जा सकता। प्राण रक्षा में अड़ंगा लगाने वाला ऋषि नहीं हो सकता। Thank you.
नाभि में अमृत कुंभ है। महापंडित से अंतिम उपदेश ले लो। जो आज्ञा प्रभु। महापंडित को प्रणाम। कोई अंतिम उपदेश? लक्ष्मण, बैर का पिता क्रोध, क्रोध का पिता अहंकार, और अहंकार का अंतिम चरण है मृत्यु। इसलिए मनुष्य को जीवित रहने पर भी अपने शरीर का नाश अवश्य देखते रहना चाहिए, जिससे मृत्यु की पीड़ा ना हो। मर्यादा पुरुषोत्तम, शत्रु पर दया करना विजेता की महानता है, क्षमा मर्यादा है। अंतिम सांस छूटने से पहले मुझे क्षमा कर दे। लंका विजय भगवान श्री राम की। वही रुक जाओ सीते। भैया, भगवान, प्रभु, विजय के दिन मिलन की घड़ी में माता के साथ ये कैसा कठोर बर्ताव? क्या यही अवसर देखने के लिए माता की खोज करवाई, सेवक से सागर पार करवाया, लंका में युद्ध छाना? बोलिए, बताइए प्रभु। लंका के युद्ध में रघुकुल की प्रतिष्ठा का प्रश्न था। आज कौन सा प्रश्न है भैया? एक वर्ष तक रावण की बंदिनी रहने के बाद समझ में सीता किस दृष्टि से देखी जाएगी? माता पर शंका? प्रभु, क्या सोने से पूछना चाहिए कि तू सोना है? गंगा से पूछना चाहिए कि तू पवित्र है? सीता पवित्र है, सती है, ये राम जानता है। किंतु सभी राम नहीं है हनुमान, सभी राम नहीं है। समाधान का मार्ग निकालना ही होगा। मार्ग एक ही है, अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा? हाँ, रघुकुल वधु सीता प्राण रहते कुल पर आंच नहीं आने देगी। लक्ष्मण भैया, अग्नि का प्रबंध कर। हे
रघुकुल दीपक श्री रामचंद्र, पवित्रता का साक्षी रूप मैं अग्निदेव निस्संदेह और संपूर्ण निश्चय से कहता हूं कि सीता निष्कलंक है, परम पवित्र है, साहस स्वीकार करे। अग्निदेव की साक्षी शिरधारी है। महासती सीता जी की। सबको बहुमूल्य उपहार दिए परंतु बजरंग बली को कुछ नहीं मिला, इन्हें कोई श्रेष्ठ पदवी ही दे दे। नहीं माता नहीं, सेवा व्रतधारी कोई पदवी नहीं चाहता, केवल प्रभु चरणों की सेवा। दे दो राजरानी। हनुमान। माता। महर्षि वाल्मीकि, बजरंग बली ये क्या कर रहे हैं? राजा शकुन, स्वयं बजरंग बली से ही पूछ रहे हैं। बजरंग बली, किंतु ये माला की लड़ी क्यों तोड़ रहे हैं? बजरंग बली है तो बंदर ही ना, और बंदर के गले में रुद्राक्ष की माला। ये तो अयोध्या की राजरानी का अपमान है बजरंग बली। नहीं भाई नहीं, सीता मैया का अपमान सेवक हनुमान भला कैसे कर सकता है? मैं तो देख रहा हूं किसी मणि में सीताराम है कि नहीं। आज मणियों में सीताराम को ढूंढ रहे हो बजरंग बली, कभी अपने शरीर में ढूंढा? क्या तुम्हारे शरीर में है सीताराम? है, होना ही चाहिए। इस शरीर में सीताराम नहीं तो ये मेरे किसी काम का नहीं। प्रवचन नहीं प्रमाण दो, हम देखे तब माने। भक्ति को चुनौती। जय जय सियाराम। हनुमान प्रभु, जय 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 बजरंग बली।
शक्ति तुम्हारी अनन्य हुई। प्रतिभा के धनी हनुमान सुनो, प्रतिभा के धनी हनुमान सुनो, तुम्हें पाके ये धरती धन्य हुई। माता मिथिलेश दुलारी का है, माता मिथिलेश दुलारी का है प्यार तुम्हारी आंखों में। हे मारुति, हे मारुति, सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। माता, प्रभु के स्नान की व्यवस्था हो गई, वस्त्र और अहंकार रखवा दीजिए। माता, ये सिंदूर किस लिए लगा रही है? ये तो प्रभु का चिन्ह है, इसे लगाने से स्वामी अधिक प्रसन्न होते हैं। सिंदूर लगाने से प्रभु अधिक प्रसन्न होते हैं? अच्छा अच्छा, सिंदूर लगाने से प्रभु अधिक प्रसन्न होते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस तालिका में हनुमान के लिए सेवा ही नहीं लिखी, ये हनुमान कैसे मानेंगे? बेचारे के लिए एक सेवा तो छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो वे दुखी हो जाएंगे। हनुमान ने बहुत सेवा कर ली, अब उन्हें विश्राम करने देना चाहिए। स्वामी, मेरा और मेरे देवरों का भी तो कुछ अधिकार है, तालिका पर राजमुद्रा की छाप लगा दीजिए। हाँ भैया, भाभी उचित कह रही है। अच्छा, जैसी भाभी और देवरों की इच्छा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रसन्न हो रही है प्रभु, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये क्या बजरंग बली, श्री राम रुपया क्यों बन गए? प्रसन्न हो रही है प्रभु, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये क्या नाटक है? जय जय राम, कहो तो। प्रसन्न हो रही है प्रभु, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अरे भाई, ये कौन सी लीला है? बताऊंगा प्रभु, पहले प्रसन्न हो जाइए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बजरंग बली को क्या हो गया? माता जी, आप ही ने तो कहा था रत्ती भर सिंदूर लगाने से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। मैंने पूरे शरीर में सिंदूर पोंछ लिया तो भी प्रभु तनिक प्रसन्न नहीं हुए। हनुमान, तुम्हारा अगाध प्रेम देखकर राम प्रसन्न ही नहीं, सदा तुम्हारा ऋणी भी है। लज्जित न कीजिए जगदाधार, सेवक को सेवक ही रहने दीजिए। हेलो बजरंग बली, सेवा का बंटवारा हो गया, ये तालिका पढ़ लो। वहां मैया, अच्छी उल्टी पट्टी पढ़ाई, सिंदूर पर तो आकर सब कुछ छीन लिया, मेरे लिए कोई सेवा ही नहीं। कोई सेवा बच गई हो तो ले सकते हो। हाँ हाँ, अवश्य ले सकते हो, किंतु बच गई हो तो। बच गई तो बची हुई सेवा मैं ले सकता हूं। ओ बोलिए,
बची हुई सेवा मेरी? हाँ तुम्हारी। आप? हाँ तुम्हारी। आप? हाँ हाँ भाई तुम्हारी। माताजी कहिए, बची हुई सेवा मेरी ना? हाँ हाँ हनुमान तुम्हारी। प्रभु सुन लिया ना, सबको स्वीकार है। सबको स्वीकार तो मुझे भी स्वीकार। फिर मुझे कुछ मत कहिएगा प्रभु। कहाँ लगाऊं राजमुद्रा की छाप? अरे पहले अपनी सेवा तो बताओ। मेरी तो छोटी सी सेवा है, जब जब प्रभु को जम्बाई आई तब तब सेवक हो जाएगा। सुन ली बाण की सेवा। हनुमान जाकर गुरु वशिष्ठ से मिलने का समय निश्चित करके आओ। क्षमा करें प्रभु, मैं अपनी सेवा से हटना नहीं चाहता। ना जाने कब आपको जम्बाई आ जाए और मुझे चुटकी बजाना पड़े। अब तो मैं आपको पल भर के लिए भी छोड़कर नहीं जा सकता। देख लिया, मैं चला गया होता तो मुझे सेवा भंग का कितना बड़ा पाप लग गया होता। हनुमान अब सुधारो। अब कहां सुधारू माता, मुझे तो आठों पैर राम जी के आगे ही रहना पड़ेगा। प्रभु सोया करेंगे तब भी जागना पड़ेगा, जमाई तो सोते समय भी आ सकती है। आशी पुत्र आप ही समझाइए इन्हें। प्रभु मेरी ये छोटी सी सेवा मत छीनिएगा। नहीं हनुमान, मैं तुम्हारी सेवा नहीं छीन सकता। हनुमान बाहर जाओ, ये मेरी आज्ञा है। प्रभु माता जी की आज्ञा कैसे टाल सकता हूँ। जय जय राम, जय जय माता। तू प्यारे हनुमान चुटकी बजाए जा, तू प्यारे हनुमान चुटकी। तेरे माथे पे है रे, तेरे माथे पे है बेटा तलवार लटकी। बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। तेरे राम जी के आगे दाल किसकी गली रे, दाल किसकी गली, दाल किसकी गली। तूने जानी नहीं रे, तूने जानी नहीं लीला नट खट की। बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। राम राम रट छोड़ झटपट, तेरे कट जाएंगे संकट झटपट, तेरे कट जाएंगे संकट झटपट। मेरे राम, क्या हुआ मेरे राम को, क्या हुआ मेरे बेटे को? राम, अरे कोई है, कोई देखो, कोई ना। राम बेटे भी आगे आएगा, उसे देखा जाएगा, उसे देखा जाएगा। तेरे सामने भगत कौन टिक पाएगा रे, कौन टिक पाएगा, कौन टिक पाएगा। अरे फिकर न कर रे, अरे फिकर न कर तू फोकट की। बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। राम राम रट
छोड़ कट पट तेरे कट जाएंगे संकट झट पट तेरे कट जाएंगे संकट झट पट। कोई उपाय कीजिए गुरुदेव, कोई उपाय कीजिए। नारी ठीक है, ताप नहीं, कुछ नहीं। हनुमान जी कहाँ गए? तुझे माता जी ने घर से निकाला तो क्या रे, निकाला तो क्या, निकाला तो क्या रे? तेरा थोड़ी देर निकला दीवाला तो क्या रे, दीवाला तो क्या, दीवाला तो क्या। तू भी दिखला दे रे, तू भी दिखला दे जा अपनी मरकट की, बजाए जा बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। तेरे प्रभु जानते हैं रे, तेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की, बजाए जा बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। राम राम रघुन छोड़ खट पट तेरे खट जाएंगे संकट झट पट, तेरे खट जाएंगे संकट झट पट, तेरे खट जाएंगे संकट झट, तेरे खट जाएंगे संकट झट पट। प्रभु बजरंगबली, तो ये हनुमान जी की चुटकी का चमत्कार था। सत्य है, सेवक बिना स्वामी को, भक्ति बिना भगवान को चैन का। हाँ हनुमान, तुम जीते हम हारे। आज से राम की सारी सेवाओं का अधिकार हनुमान को है। ये अनन्य सेवक है। जब तक सृष्टि रहेगी तुम्हारे सेवा भाव की कथा अमर रहेगी हनुमान। जो भी ये कथा कहेगा सुनेगा उसे प्रभु सेवा का ही फल मिलेगा। माता, पवन कुमार, तुम तो सेवा करते ही आ रहे हो, सेवा कराने का अवसर कभी नहीं दिया। कल तुम्हें मेरे हाथ का भोजन करना होगा, करोगे ना? माता के ही हाथ का बना हुआ भोजन करूंगा। हाँ हाँ हाँ, मैं ही बनाऊंगी। हम चारों भाई भी आप ही के हाथ का भोजन करेंगे। सबको निमंत्रण है, पर हनुमान के भोजन के बाद। आह, क्या मोहक सुगंध है। क्या मधुर स्वाद है। मन करता है खाता ही जाऊं। माता जी परोसिए। माताजी परोसिए। माताजी परोसिए। हनुमान जी का पेट है या पाताल? ऐसे ही भटकते जाएंगे तो सब भूखे रह जाएंगे। माताजी परोसिए। माताजी परोसिए। माताजी, माताजी इधर आइए, इधर आइए। देखिए देखिए, सब चट हो गया, अब क्या होगा?
अब तो पेट में चूहे कूद रहे हैं भाई। अपना तो पेट पीठ में मिल गया। हनुमान भोजन कर रहे हैं या भजन? माता जी परोसिए। ले जा ले जा, कढ़ाई पड़ी तो। माता जी परोसिए। इसको कहते हैं परोसा। अब छोटे मोटे थाल में मत लाना, बड़े बड़े बर्तनों में हिलाना। माता जी के हाथ में तो अमृत भरा है। आप तो माता जी के हाथ का अमृत पसीने में पलट गया है। माता जी परोसिए। चलिए माता रानी। बहू अच्छे भोजन बच्चों ने उतार दिया है। अरे वचन देने से पहले अपनी दशा का तो ध्यान रखा होता। चलो चलो छोड़ो ये सब। चलो अब भी सुनाई देगा माता जी परोसिए, तब क्या परोसूंगी। ये देखो मैंने हलवाइयों से मिठाइयाँ और पकवान मंगवा लिए हैं। माता जी परोसिए। चलो चलो यही परोस दो। जा माता जी परोसिए। हनुमान पहचान जाएंगे तो नहीं खाएंगे माँ। हनुमान क्या पहचानेगा बहू, पकवानों पर किसी के हाथ की छाप थोड़ी लगी है। ये माता जी के हाथ के बने हुए नहीं लगते। माता जी थक गई हो तो हाथ धोकर उठ जाऊं। आज अयोध्या के राजभवन में कोई भूखा रहेगा तो वो हनुमान ही होगा। बनाती हूँ पकवान, बनाती हूँ। तब तो सारा दिन बैठा रहूंगा। झटपट बनाइएगा माता जी। आपके हाथ में कुछ ऐसा गुण है जितना खाता जाता हूँ उतनी ही भूख बढ़ती जाती है। क्या हुआ सुखी? हनुमान ने भोजन कर लिया। चलो अब हम भी चलते। नहीं, गेहूं आटा चावल घी दूध दही मिठाई सब चट, सारा भंडार चट। सारा भंडार चट? हनुमान जी चट कर गए। ऊपर से माता जी परोसिए। अब क्या परसूं? सब तो सुहा हो गया प्रभु, कुछ तो कीजिए। भैया आप चुप क्यों है? कुछ कीजिए नहीं तो रघुकुल की नाक कट जाएगी। लो ये तुलसी दल परस दो। आनंद आ गया। माता जी पहले ही तुलसी दल परोस दिया होता तो आपको पसीने में नहाना तो नहीं पड़ता। मिट गई भूख? माता जी तुलसी दल से भगवान संतुष्ट, भगवान के प्रसाद से भगत संतुष्ट। आज भूख मिट गई, कल भी समय पर आ जाऊंगा। नहीं क्या अयोध्या के राजभवन में हनुमान के लिए तुलसी का एक पत्ता भी भारी पड़ेगा? तुलसी का पत्ता ही खाना? एक ही पत्ता माता जी। एक ही पत्ता? तब तो प्रतिदिन आना हनुमान। जय जय राम। बहू कितनी बार कहा ऐसी अवस्था में अधिक परिश्रम नहीं करना चाहिए, चला भी चाहिए तो संभल कर, अच्छी अच्छी बातें सोचनी चाहिए, सदा प्रसन्न मन रहना चाहिए। एक अवध की राजा ने
जाती है एक दिन के लिए और लगाती है चार चार दिन, नाव लेती है मर्दे का और दाव लगाती है कहीं और का। जहाँ सारी लाज बिताई है। मैं तो सीता रानी के महल में थी। कुलभोरनी सुलक्षणी रैना झोपड़े में सपना महल का सीता रानी के लक्षण सीखने गई थी, पर मैं राजा राम नहीं जो एक बरस तक रावण के पास रहने पर भी सीता को घर में रख लिया। पर राम राजा है, उन पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई मुंह नहीं खोल सकता। पर मुझे समाज में रहना है, मैं तेरे लिए अपनी पगड़ी नहीं उछलवा सकता। निकल यहाँ से। चौके पर तेरी छाया भी पड़ी तो टांगे तोड़ के धो दूंगा। चल हट, निकल यहाँ से कल मुई। चल मैं कहता हूँ निकल जा यहाँ से। ना पति का डर ना जात पात की लाज। राम कटोरी ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो इस बेचारी को मार पीट कर घर से निकाल दिया। अरे उस मुए धोबी के मुंह में कीड़े पड़े, उसने तो सीता जी को भी कलंक लगा दिया। राम कटोरी के बदले तुम्हारी घरवाली होती तो क्या करते भैया? मैं तो घर से निकालने के बदले बोरे में कसकर सरियों में डुबा ही देता। ये तो तिरियों पे पुरुषों का अंधेर है अंधेर। और क्या, आज तो धोबिनी की बात है, कल में पुरुष ये भी कह सकते हैं कि राम जी सीता जी को त्याग देवे। न्याय से तो राम जी को सीता जी का भी त्याग करना ही चाहिए। क्यों पंडित, तुम क्या कहते हो? राजू, राम राज्य में राजा प्रजा सबके लिए समान, ये शरीर का न्याय है। राजा को वही करना चाहिए जिससे प्रजा का आचरण सुधरे, नहीं तो यथा राजा तथा प्रजा। प्रजा सुधार ही राजा राम की मर्यादा है, मर्यादा के लिए सीता जी का त्याग होना चाहिए। हाँ हाँ यही उचित है। क्या सीता भाभी का त्याग अग्नि परीक्षा के बाद भी? अग्नि परीक्षा हमने देखी है, अयोध्या के प्रजा ने नहीं। आक्षेप करने वाला एक साधारण बुद्धिहीन धोबी है भैया। धोबी भी समाज का व्यक्ति है भरत, समाज दर्पण है, व्यक्ति समाज का भूषण है। समाज में भूषण रूप रहना ही व्यक्ति का धर्म है। राजा राम अपनी इच्छाओं का नाश कर सकते हैं, प्रजा की इच्छाओं का नहीं। भाभी जिस अवस्था में है उस अवस्था में किसी नारी को देखकर निर्दय से निर्दय हृदय भी ऐसा करना नहीं चाहेगा भैया। फिर भी सीता कलंकिनी कहलाकर राजभवन के सुख भोगने के बदले वनवासिनी होना अधिक चाहेगी। भाभी से इस वियोग का संताप कैसे सहन होगा भैया? विनती करू तो भी ये निर्णय नहीं बदल सकते। नहीं लक्ष्मण, सीता निर्दोष है, निष्कलंक है। सीता के बिना राम एक पाषाण मूर्ति जैसा रह जाएगा। फिर भी राज रानी सीता का त्याग राजा राम का अटल निश्चय है। बोलो, सीता को वन में छोड़ने के लिए तुम तीनों भाइयों में से कौन जाएगा? मैं नहीं जा सकता। मैं भी नहीं। मैं भी नहीं।
प्रभु, माता के त्याग के निश्चय से लगता है राजा राम ने पति श्री राम के हृदय की हत्या कर दी। राजधर्म ने मानव धर्म को बिसार दिया। स्वर्ग से स्वाहा करके लोकमत की रक्षा करना ही राजा राम के जीवन का उच्च आदर्श है हनुमान। इसी आदर्श के लिए राम को लोग राम कहते हैं। क्षमा करें प्रभु, यदि राम कहलाने के लिए सीता माता जैसी निर्दोष और सती पत्नी को ठुकराया जा सकता है तो मैं कहूंगा कि जगत जननी के साथ जितनी निर्दयता प्रजा ने की है उससे कहीं अधिक प्रजा पालक राजा राम ने की है। हनुमान, कहने दीजिए राजन। पुण्य जन का बल, धर्म जन का प्रधान, न्याय जन का सेनापति, दया क्षमा उपकार जन के राज्य अधिकारी, सत्य जन की राजनीति है, वे अयोध्यापति श्री रामचंद्र आज अपनी पत्नी को नहीं सत्य को त्याग रहे, धर्म को दुत्कार रहे, न्याय को नकार रहे। नहीं हनुमान, नहीं। नहीं तो कहां गई वो भावना जिसने माता के लिए प्रभु के मुंह से प्राण रूपी सीता कहलवाया था? कहां गई वो वेदना जिसने देवी की सुधि पाने तक प्रभु की आंखों से निर्जल बहाया था? कहां गया वो असीम प्रेम जिसने पत्नी के वियोग में पति का जीना कठिन कर दिया था? आज उसी प्रेम के साथ ऐसा विश्वासघात कैसे सहन हो रहा है प्रभु? इस त्याग के आघात से चट्टान भी चूर चूर हो जाएगी प्रभु, चट्टान भी चूर चूर हो जाएगी। आंसू की धारा में राम को विचलित मत करो भैया हनुमान। राम विचलित हो जाएगा तो सीता का त्याग नहीं कर पाएगा। लोग सीता को कलंकिनी कहकर जीवन भर उंगली उठाते रहेंगे। राम धिक्कार का पात्र बना रहेगा हनुमान, राम धिक्कार का पात्र बना रहेगा। नहीं प्रभु नहीं, किंतु जवदर पाठ कैसे सहन कर पाएंगी माता? लक्ष्मण, सूर्योदय के साथ सीता को वन में छोड़ने तुम्हें जाना होगा, ये राज आज्ञा है। राजा राम ने राज रानी सीता का त्याग किया है, ये भाभी को किस मुंह से कहूंगा, कैसे कहूंगा, क्या कहूंगा? कल सीता ने फिर से वन देखने की इच्छा प्रकट की थी, कहना वो साध आज पूरी कर दी। भैया, इस राज आज्ञा का उल्लंघन यदि लक्ष्मण की ओर से हुआ तो संभव है राम निष्प्राण हो जाए। राजा राम की जो आज्ञा। लक्ष्मण भैया, मैंने तो यूं ही फिर से बन देखने की इच्छा प्रकट की थी और रघुवीर ने मेरी साथ पूरी कर दी। मैं एक धन्य हूं। लिया लक्ष्मण भैया। भाभी, भाभी, मुझे आपसे कुछ निवेदन करना है। व्याकुल क्यों हो? अरे लक्ष्मण भैया, जो भी कहना है निसंकोच कहो, मुझे चिंता में ना डालो। कैसे कहूं भाभी, मेरी तो छाती बटी जा रही, मैं तो रघुवीर की आज्ञा का दास हूं। क्या मेरे राघव की कोई विशेष आज्ञा है? हाँ भाभी। आज्ञा कठोर से कठोर हो तो भी सुना दो भैया, चिंता ना करो, सुना दो भैया। भाभी, लोकापवाद के कारण राजा राम ने सीता का परित्याग किया। मेरा परित्याग? राम, राम ने? भैया, राम कठोर हो गई है।
पागल हो गई है पागल। घर से निकाल दिए तो ठोकरे खाती फिरती है बेचारी। गंगा मैया, आज अभागिनी सीता के लिए एक तुम्हारी द्वार खुला है, इसे अपने अनंत लहरों में सदा के लिए समेट लो मैया। सीते, बिटिया। महर्षि वाल्मीकि। रुक जाओ सीते। आत्महत्या घोर पाप है बिटिया, उससे भी बढ़कर पाप है बाल हत्या। बाबा, मेरा तहक पति ने क्यों किया?
इसका उत्तर किसको क्या दूंगी? मेरे लिए तब एक ही मार्ग है, इस जीवन का अंत कर लो। जीवन का अंत न तो प्रश्न चिन्ह का अंत है, न उत्तर ही है। बिटिया, तुम भावी संतान की जननी हो। जननी अपने लिए नहीं, संतान के लिए जीती है। तुम्हें जीना ही होगा। किंतु बाबा। बिटिया, लोक रंजन की रक्षा राम की मर्यादा है, जिसे बढ़ाना सीता का कर्तव्य है। बिटिया, आशीष वाल्मीकि का आश्रम तुम्हारा मायका होगा। आओ चलो मेरे साथ। ये अश्व दिग्विजय के लिए छोड़ा जा रहा है। इसे पकड़ने वाले को युद्ध में पराजित करके अश्व को सुरक्षित लाना होगा। बजरंगबली। प्रभु। शत्रुघ्न, कुमार पुष्कर। आज्ञा। अश्व की रक्षा का भार तुम सब पर। जय जय राम। गुरुदेव के साथ हम भी अयोध्या जाएंगे। गुरुदेव की सिखाई हुई राम कथा के पात्र राजा राम को देखना चाहते जो अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। अन्यायी राम को देखेंगे जिन्होंने लोक रंजन के लिए अपनी निर्दोष पत्नी सीता को त्याग दिया। नहीं नहीं क्यों माँ, हम राजा राम से उत्तर चाहते हैं। जिस सीता को अपवित्र मानकर त्याग दिया, उसी की सोने की प्रतिमा को पवित्र मानकर अश्वमेध यज्ञ कैसे कर रहे हैं? बेटा, ये देखना राजा का काम है, आश्रम वासियों का नहीं। लोक रंजन जिनकी मर्यादा है, उन्हें हमारे भी प्रश्न का उत्तर देना होगा। सीता के साथ ऐसा अन्याय क्यों? जिसकी सोने की प्रतिमा को पवित्र मानते हैं, उस सीता को अपवित्र मानने का ढंग क्यों? राम सीता के पति हैं, अपनी पत्नी को कुछ भी मान सकते हैं। हम तो अश्वमेध के धर्म धुरंधर पंडितों से भी पूछेंगे, ऐसा धर्म क्यों? नहीं बेटे, ये छोटे मुंह बड़ी बात होगी। हम तो अयोध्या की प्रजा से भी पूछेंगे, ये अनर्थ क्यों? नकुश, इसे विद्रोह मानकर राजा राम तुम्हें दंड दे सकते हैं। अनुचित दंड देने वाले के दांत खट्टे करने की शक्ति वन देवी के पुत्रों में है। सीता के साथ किया गया अन्याय नारी समाज के साथ अन्याय है। हम इस अन्याय का बदला लेंगे। नहीं नहीं, तुम अयोध्या नहीं जा सकते। जाने दो वन देवी, राम राज्य में जब एक धूबी की सुनवाई हो सकती है तो वन देवी के पुत्रों की क्यों नहीं? बाबा, घबरा मत बिटिया, अयोध्या में कोई अमंगल नहीं होने दूंगा। लव खुश, माँ का आशीष लो। सिधर मेरे नाम। मेरी रघुबीर, राजा होने के नाते आप चाहते तो पुनर्विवाह कर सकते थे, किंतु यज्ञ जैसे पवित्र कार्य में मेरी प्रतिमा की स्थापना प्रमाण है कि मैं आपकी दृष्टि में अपवित्र नहीं, कलंकिनी नहीं। लोक रंजन के लिए अपनी सीता को त्याग कर भी अपने हृदय से नहीं बिसरा, ये सीता की सौभाग्य की बात है। आप धन्य है रघुवीर, धन्य है। सीता जन्म जन्मांतर के लिए आपकी ऋणी है। पुरुषोत्तम पर आरोप लगाने वाले इन विद्रोही बालकों को कारागार में डाल दो। ठहरो सैनिकों, शांत लक्ष्मण शांत। सुनाओ बालकों अपना गीत, मैं सुनना चाहता हूं।
प्यारे बच्चों, तुम्हारा गीत अत्यंत सुंदर है। आओ मेरे हृदय से लग जाओ। नहीं! जिस हृदय ने सीता जैसी निर्दोष पत्नी को त्याग दिया, ऐसे निष्ठुर हृदय से हम लगना नहीं चाहते। आंसू बहाने वाला उत्तर क्या देगा? चलो भैया। राजन, ये दोनों बालक मेरे शिष्य हैं, फिर भी बच्चे हैं राम। महर्षि को राम का शत शत प्रणाम। देखो राजा शकुन, यही है बजरंग बली की माता अंजनी। जाओ अपना काम करो। बचाओ माँ, इस बूढ़े बालक पर दया करो माँ। कौन हो तुम? मैं दुखिया राज शकुन। एक बलवान राजा ने सूरज डूबने से पहले मेरी हत्या करने की सौगंध खाई है, लेकिन मैं बजरंग बली की माँ के चरण नहीं छोड़ूंगा, अपने प्राण यही दे दूंगा। लेकिन मेरा बेटा हनुमान यहाँ नहीं है। बेटा किधर गए? किंतु मैं अहिंसा परमो धर्म जानता हूँ। धर्म करना है तो हनुमान जी को बुलाओ, अधर्म करना है तो मत बुलाओ। चंदो माता जी कि तुम मेरे प्राण बचाओगे। क्या वचन? बुलाती हूँ हनुमान को। मारुति मारुति मारुति। माँ! बेटे! क्या आज्ञा है माँ? तुझसे कुछ मांगना है मेरे लाल। मेरा अहोभाग, आप पहली बार माँ मुझसे कुछ मांग रही है। मांगो माँ, मैं वचन देता हूँ। बेटे, तेरे भरोसे मैंने राजा शकुन की प्राण रक्षा का वचन दे दिया है। किसी राजा ने संध्या तक इन्हें मार डालने की प्रतिज्ञा की है। बताओ राजा शकुन, प्रतिज्ञा करने वाला कौन है? कैसे बताऊं? उनका नाम जीप तो है, लेकिन जीप थरथरा रही है। क्यों? डर के मारे आप कहीं वचन न तोड़ दे। हनुमान के लिए माँ के वचन से अनमोल कुछ नहीं राजा शकुन। श्री राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, मेरे होते कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। बता दूं, उनका उनका नाम है, उनका नाम है राजा रामचंद्र। अयोध्या के राजा रामचंद्र। तुम्हारा अपराध? अपराध? अपराध मेरा नहीं, नारद मुनि का है। उनके कहने से मैंने विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया, तो क्रोध में आके रामचंद्र जी से उन्होंने वचन ले लिया कि आज सूरज डूबने से पहले मेरा टगला उनके चरणों में होगा। बजरंग बली, राम से मेरी रक्षा कीजिए। यह तुमने क्या किया राजा शकुन? वचन लेकर समस्या खड़ी कर दी, अब करूं क्या? एक और माँ जिसने जन्म दिया है, दूसरी ओर स्वामी जिनकी आजन्म सेवा का व्रत लिया है, जिनके आगे कभी आंख ऊंची नहीं की, उनके सम्मुख सिर कैसे उठाऊंगा? मन तो करता है वो अवसर आने से पहले अपना ही सिर फोड़ लूं, अंत कर लूं। हनुमान, आत्महत्या का विचार कायरता है, मेरे दूध को लजाना है। उस माँ का बेटा है जिसने आत्मविश्वास के साथ जीना सीखा है, ये मत भूल। किंतु माँ, प्रभु की वंदना में सदा जुड़े रहने वाले हाथ गदा कैसे उठाएंगे? सेवक स्वामी से भक्त भगवान से युद्ध कैसे करेगा? वीर और बुद्धिमान समस्या से नहीं डरते, उपाय ढूंढते हैं। बेटा, भगवान शंकर तेरे सहाय हो। बेटा, भगवान शंकर। क्यों भूलते हो बजरंग बली? सबका तारनहार है राम नाम। ढूंढूंगा मां, ऐसा ही उपाय ढूंढूंगा जिससे तुम्हारे दूध की लाज भी ना जाए और प्रभु की प्रतिज्ञा भी रहे। चलो राजा शकुन। चलिए।
राम नाम जपते हुए डटे रहो, कहीं राम बाण चल गया तो राम नाम का जाप दीवार बन जाएगा। हाँ वो तो दीवार बनेगा। नहीं नहीं, राम बाण छूटते ही जाप की दीवार का एक एक पत्थर चने का भूसा बन के फुर करके उड़ जाएगा और सारा संसार प्रलय के पेट के अंदर घुस जाएगा और प्रलय का पेट पेटा बन जाएगा। क्या विचार है बजरंग बली, मरता विश्वास नहीं करता। राम नाम में विश्वास नहीं? नहीं। तो देखो राम 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 पत्थर है ये पतंग। राम राम भी विश्वास करता। जाओ निर्भय होकर राम दुर्ग पर बैठ जाओ, मेरे रहते तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा भैया, इस छोटे से कार्य के लिए भरत के रहते आपका धनुष उठाना आवश्यक नहीं। संध्या से पहले ही राजा शकुन का मस्तक गुरुदेव के चरणों में होगा। आज्ञा आज्ञा है। राम 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 नाम का दुर्ग। राम 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 बचने के लिए अवश्य षड्यंत्र। सभा में गुरु विश्वामित्र का अपमान करने वाले राजा शकुन मृत्यु से बचने के लिए अच्छा ढोंग रचा है, किंतु भरत का एक ही बाण तुम्हारे कपट का जाल चीर देगा। अच्छी दुरंगी चाल चलते हो राम, एक और शकुन का मस्तक उतारने के लिए भरत को भेजते हो, दूसरी ओर अपने नाम का महत्व बढ़ाने में लगे हो। गुरुदेव अपने राम पर संदेह? संदेह नहीं, सत्य है, साक्षी भरत है। भरत भैया, वह राम नाम का दुर्ग बन गया है, शकुन भी आप ही का नाम जप रहा है। राम नाम के प्रताप से मेरा बाण जल गया। बताओ राम बताओ, ऐसा क्यों कर रहे? नारायण नारायण, काम किसी का नाम किसी का। विश्वामित्र जी, राम नाम का दुर्ग तो राम भक्त ही बना सकता है, ऐसे भक्त केवल हनुमान ही है। हनुमान? हनुमान श्री राम से टक्कर लेंगे? राम हनुमान युद्ध? क्या सुन रही हो? स्वामी और सेवक में युद्ध, भक्त और भगवान में युद्ध, राम हनुमान युद्ध। राम ये शक्ति और भक्ति का युद्ध छिड़ा है। मैंने तुम्हें शस्त्र विद्या सिखाते समय शक्ति दी थी, जिसके आगे सभी बल निर्बल है ये मत भूलो। गुरुदेव मैं स्वयं शक्ति बाण चलाऊंगा। नारायण नारायण। हरी बड़ी गंभीर है राजा शकुन, किंतु क्यों शक्ति बाण लेकर स्वयं प्रभु राम आ रहे हैं? नहीं, बजरंग बली श्री राम शक्ति बाण लेकर आ रहे हैं। मैं खटकता हूँ, मरता क्यों नहीं खटकता? डरो मत, शक्ति बाण का सामना शक्ति से ही होगा। जय सीता। ये कोई बात हुई ना, पधारिए तटीय रणभूमि में। तटना तो तुमको ही होगा, जपते रहो जय सिया राम जय सिया राम। मरता सब कुछ जगता, जय जय सियाराम।
जय जय सियाराम, 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 जय जय सियाराम। ठाकुर बुलाओ अपने रक्षक को और उससे कहो मुंह छिपाने वाला कायर होता है। जय जय राम। स्वामी का सामना करना सेवक का धर्म नहीं, किंतु स्वामी ने सेवक को कर्तव्य परायण होने के लिए ललकारा है। सेवक सामने है, चलाइए शक्तिमान का मस्तक उतारकर अपना वचन पूरा कीजिए। प्रभु मुझे शकुन का मस्तक चाहिए बजरंग, शकुन को मुझे सौंप दो। शकुन की रक्षा मेरी माता का वचन है, प्राण देकर भी वचन पूरा करूंगा। शक्ति बाण चलाने पर राम को विवश मत कर हनुमान। योग से हम दोनों विवश हैं स्वामी, चलाइए शक्ति बाण। जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम। सूर्यास्त से पहले राजा शकुंत का मस्तक मेरे चरणों में रखने का तुम्हारा वचन था राम, कहां गई रघुकुल रीति? प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल के माथे पर कलंक लगाना चाहते हो? रघुकुल के माथे पर कलंक लगने से पहले उसके कारण को लक्ष्मण मिटा देगा। लक्ष्मण, मैं परशुराम नहीं विश्वामित्र हूँ, ब्रह्मा ऋषि से हार मान गए। मैं भी ब्रह्मा नहीं राजऋषि, जान रहे लक्ष्मण। तुम्हें मेरी सौगंध जो आगे कुछ बोले, रघुकुल पर गुरुदेव की कृपा है, आप शांत रहे गुरुदेव। वचन के लिए राम बाण का प्रयोग करूंगा। राम बाण अवश्य प्रलय होगा, सर्वनाश निश्चित है। नारायण नारायण। सावधान राजा शकुन, स्वयं राम राम बाण चलाएंगे, राम बाण से कोई बच नहीं पाया। राम बाण, मरता धार बजरंग बली, मरता अब क्या करता। हट जाओ हनुमान, मैं अपने वचन के लिए राम बाण का प्रयोग करता हूँ। भावना से कर्तव्य महान है, ये आपकी ही सिखावन है स्वामी, और जिसका कवच राम नाम हो वह क्यों हटे। राम, तुम अपने वचन पालन में असमर्थ सिद्ध हुए। लाओ धनुष बाण, शकुन का वध मैं करूंगा। क्षमा दीजिए विश्वामित्र जी, अब मेरा मस्तक आपके चरणों में है। हाँ विश्वामित्र जी, सूर्यास्त से पहले राजा शकुन का मस्तक आपके चरणों में आ गया, इन्हें क्षमा कर दीजिए। शकुन, क्या क्षमा कर दिया आपने? मुझे क्षमा कर दिया। आपका मान बढ़ गया, राम जी की प्रतिज्ञा रहेगी, बजरंग बली का वचन रहेगा, और मेरे प्राण रह गए। मरता अब कभी नहीं मरता। राम राम राम।
राम राम। धन है प्रभु धन है, माँ के दूध की लाज रख रही। प्रभु कुलभूषण श्री रामचंद्र की जय हो। प्रभु वाल्मीकि आश्रम के पास दो बालकों ने यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया है, घमासान युद्ध हो रहा है। जय जय राम। खिलौना लाए हैं। है तो बंदर पर बड़ा सीधा है माँ। बेटी इन्हें क्यों बांध लाए हैं? ये तो परम पराक्रमी और सम्मान के पात्र हैं। ये लंका को भस्म करने वाले पवन पुत्र हनुमान हैं, भगवान के भक्त। इन्हें छोड़ दो लाए, माँ की इच्छा। चलो भैया घोड़ा देखे चलो। हनुमान इतने पराक्रमी होकर इन बालकों से कैसे बांध गए? माता स्वामी के दोनों कुमार भी तो मेरे स्वामी हैं, आपको और प्रभु सरी के बालकों के मुखड़े देखकर पहचान गया, बस खेलने का मन हो गया। रघुकुल भूषण राजा रामचंद्र की जय। पिता पुत्र में युद्ध होगा? मैं नहीं होंगी। बालकों छोड़ दो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा। पहले इस पर से स्वर्ण पत्र उतरवा लो, फिर ले जा सकते हो घोड़ा। यह किसी भी वीर के लिए अपमानजनक है, युद्ध की चुनौती है। आचार्य देखते हो ऋषि कुमार, बातें करते हो क्षत्रियो वीरों की। क्या नाम है तुम्हारे पिता का? घोड़ा पिता ने नहीं हमने पकड़ा है। हमें बालक समझकर बहलाने की चेष्टा मत करो। वीर हो तो शस्त्र उठाओ। नहीं बेटे लवकुश, ये युद्ध नहीं हो सकता। ये तुम्हारे पिता हैं। हमारे पिता राजा राम? हाँ बेटे। माँ राजा राम हमारे पिता हैं। हाँ लाल तो तुम ही सीता हो? हाँ, इस अभागिनी के देवता आर्यपुत्र पति है। बेटे आज से वे तुम्हारे सब कुछ है, तुम्हें उनको सौंपती हूँ। जाओ पिता को प्रणाम करो। जाओ बेटे प्रणाम करो। पूज्य पिताजी को प्रणाम। आओ आओ मेरे प्यारे बेटे। सीते सुनो तो। हे माँ वसुंधरी, मेरे पति धर्म और सत्य की साक्षी देने के लिए प्रकट हो जाओ माँ। इस पुत्र को अपने आंचल में छिपा लो, अपने पवित्र गोद में शरण दे दो माँ। माँ आओ बेटी। उनकी गंगा धरणी सुता धरणी में लीन हो गए। भोलेनाथ सीता के धरती में समा जाने से सिद्ध हो गया कि नारी के बलिदान पर सत्य और संसार टिका हुआ है, नारी के त्याग पर ही पुरुष का गौरव निर्भर है। इसीलिए तो नारी को शक्ति माना गया है देवी।
सीता राम की शक्ति थी। शक्ति बिना आज राम की भी व्यग्रता सीमा तोड़ चुकी है। क्रोध में आके प्राण प्रिय लक्ष्मण को मृत्यु दंड दे दिया। शेषनाग पाताल लोक चले गए। स्वयं उदासीन हो राजपाट प्रजा परिवार और सांसारिक मोह माया के सभी बंधन तोड़कर अपनी अवतार लीला समय रहे राम स्वधाम सीधा रहे हैं। मुझे छोड़कर प्रभु नहीं जा सकते। जानकीनाथ मुझे अनाथ नहीं बना सकते। किंतु राम बाण के समान राम का वचन और निश्चय भी अचूक है बजरंगबली। श्री राम अब रुक नहीं सकते। संसार में किसी के ऊपर सदा छत्र छाया नहीं रहती मेरे लाल। माँ मेरे लिए राम बिना ये संसार अछार है। मैं स्वामी को रोकूंगा, विनती करूंगा, पाँव पड़ूंगा। प्रभु श्री राम। मारुति। ओह कैसी घातक सूचना दी देववर्षी। मेरा तो प्राण ही छूट रहा है, शक्ति टूट रही है। प्रभु श्री राम। मारुति। परम पूज्य गुरु वशिष्ठ, परम प्रिय अयोध्यावासी, आप सबने आज तक अपने राम को अपार स्नेह श्रद्धा और सम्मान दिया है। राम आपका ऋणी है। जाने अनजाने राम से जो भी अपराध हुआ हो उसके लिए राम क्षमा मांगता है। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रभु प्रभु मेरे प्रभु, दया सागर करुणा निधान भगवान भगवान। सूर्य बिना दिन नहीं हो सकता, चंद्र बिना चांदनी नहीं हो सकती, तार बिना झनकार नहीं हो सकती, पवन बिना प्राण, प्राण बिना शरीर नहीं रह सकता, स्वामी बिना सेवक कैसे रह सकता है। भाई हनुमान, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी को बाहरी प्रकाश देते हैं, भक्त संत और महात्मा मनुष्य की आत्मा को प्रकाशित करते हैं। तुम जैसा नन्हे भक्त और अद्वितीय महात्मा ही संसार का अंधकार दूर कर सकता है। इस किंकर के प्रकाश प्रभु ही है। प्रभु बिना यह खोखला शरीर लेकर क्या कर पाऊंगा पतित पावन, मुझे भी साथ ले। बजरंगी, सेतु बंद के समय राम नाम से पत्थर तैरा कर, राम बाण से शकुंत की रक्षा कर, तुमने ही सिद्ध किया है कि राम से बड़ा राम नाम है। शरीर तो नाशवान है, आत्मा से हम दोनों सदा साथ हैं। तुम राममय हो, राम हनुमानमय है। किंतु दयासागर, इस किंकर के राम सेवा व्रत का पालन कैसे होगा? राम के संकट बार बार हरने वाले संकट मोचन, तुम तो चिरंजीवी हो। संसार में प्रत्यक्ष परोक्ष रहकर जन जन के संकट हरो, यही राम सेवा है। मेरा वरदान है जहां जहां राम कथा होगी वहां वहां तुम अवश्य रहोगे, अवश्य रहोगे। चले राम निज परम धाम को, सकल अवध है डोला, हरि की लीला हरि ही जाने
क्या जाने जग भोला, आज स्वर्ग ने प्रभु स्वागत में द्वार है अपना खोला, रख दिया पृथ्वी पर ही देवियों, पृथ्वी पर तो भगवान के दर्शन के लिए भक्त को सदा बेचैन देखा ही होगा, आज स्वर्ग में ही देख लो भक्त के लिए भगवान कैसे बेचैन है। इसमें भी कौन जाने भगवानों की क्या लीला हो। लीला नहीं सत्य है, बजरंग बली जैसा अनन्य भक्त ना हुआ ना होगा, ये भोलेनाथ की ही कृपा है। हाँ, महादेव जी की कृपा अंजनी पर ना होती बजरंग बली जन्म नहीं लेते तो राम सीता के संकट कैसे दूर होते, न जाने राम कथा क्या होती। सचमुच बजरंग बली राम कथा के प्राण है। क्षण वीर हो तुम, वीर हो तुम, हाँ वीर हो तुम, बिजली हो मगर गंभीर हो तुम, गंभीर हो तुम, गंभीर हो तुम। हमको लगता श्री राम धनुष के, हमको लगता श्री राम धनुष के एक अलौकिक तीर हो तुम, एक अलौकिक तीर हो तुम। बहता